नगर में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर फंसा पेज, दुकानदार और नगर परिषद के पार्षद पहुंचे बड़वानी कलेक्ट्रेट। अंशु जावला से मिलकर बताई अपनी पीड़ा। अंजन नगर के युवक के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में धरना देने के बाद नगर परिषद के अमले ने जाकर युवक के मकान के आसपास माप करते हुए कार्रवाई की। आपको बता दें कि अंजड़ शहर के वार्ड क्रमांक 7 में दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण की शिकायत ने मामला तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद अंजड़ नगर परिषद के अमला कार्रवाई करने के लिए पहुंचा। वहीं जिसके बाद अब बड़वानी कलेक्ट्रेट में SDM अंशु जावला और जिला शहरी विकास अधिकारी से चर्चा करने के लिए पार्षद पहुंचे हैं। वहीं कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे एक दुकानदार ने बताया कि नगर की 32 दुकानों को अतिक्रमण हटाए जाने का नोटिस दिया था, जिससे उनके रोजगार संबंधित समस्या बढ़ गई है। वहीं पार्षद व कांग्रेस अध्यक्ष महादेव धनकर ने बताया कि हमें फिलहाल इस मामले में जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरीके से अतिक्रमण हटाए जाने से कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वो उनके परिवार की रोजी रोटी का भी सवाल है। अंजड़ में शासकीय विद्यालय के बाहर बाउंड्री के बाहर 30-35 सालों से कुछ घुमटीधारी अपना व्यवसाय करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वहाँ एक व्यक्ति द्वारा ये ऑब्जेक्शन लिया गया कि मेरे घर के सामने घुमटियाँ हैं, वहाँ कुछ न्यूसेंस होता है और उसके कारण उनको तत्काल हटाया जाए और वो भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं। सर, शासन प्रशासन को भूख हड़ताल को समाप्त करने की कोशिश की गई सर? बात तो की है उनसे, क्योंकि जो संबंधित भूख हड़ताल पे बैठे उनका भी अतिक्रमण पाया गया है, तो अभी प्रयास चल रहा है उनसे बात करने का कि आप इसको भूख हड़ताल ख़त्म कर लीजिए शांतिपूर्ण तरीके से, और उन लोगों के जिनकी गुमटियों को नोटिस दिया उनको भी सुनवाई का मौका दिया जाए, ऐसा किया जा रहा है। मंगलवार देर रात सुखविलास कॉलोनी जेल रोड स्थित दो दुकानों के चोरों ने तोड़े ताले, एक दुकान से कपड़े और करीबन 1 लाख रुपए की चोरी की घटना को दिया अंजाम। दरअसल बड़वानी शहर की सुखविलास कॉलोनी जेल रोड स्थित एक कपड़े की दुकान पर अज्ञात चोरों द्वारा धावा बोलकर दुकान के दोनों शटर के ताले तोड़कर दुकान के गल्ले में रखे करीबन 1 लाख रुपए नगद और टी शर्ट, लोअर और अन्य कपड़े लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। वहीं दुकान के मालिक गुरमीत सिंह ने बताया कि चोरों ने दुकान में लगे CCTV कैमरे भी तोड़ दिए हैं। वहीं पास की दुकानों के भी शटर के ताले तोड़े गए हैं, जिसकी शिकायत अब थाने में वे दर्ज कराएंगे। क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। ये आपकी शॉप कहाँ पे और क्या नाम से? अपने ये रंजीत क्लब के पीछे सुखविलास कॉलोनी में, दिल्ली ओजरी के नाम से। क्या घटना हुई रात को आपके? रात को शटर, सुबह मेरे को तो पता चला, मेरे पड़ोस में जो मित्र थे उन्होंने फोन किया, बोले आपकी दुकान के भैया दोनों ताले टूटे हुए हैं। ऐसे में तुरंत यहाँ आया और देखा तो पूरा केश वगैरह, गल्ले वगैरह के ताले टूटे हुए हैं, इधर लोअर टी शर्ट के भी डब्बे खाली हैं, अंडर गारमेंट्स भी थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा आकलन करते अपन की क्या है क्या नहीं, कितना केश, कितने का गया होगा? लगभग केश 1 लाख रुपए के आसपास होगा। ये और क्या कैमरे, CCTV कैमरे में कुछ? हाँ, CCTV कैमरे तो उखाड़ के उन्होंने साइड पे फेंक दिए। सूचना करिए थाने पे। हाँ, बस अभी जा ही रहे हैं, सुबह आई थी 100 पे डायल हुआ था, आए थे वो लोग, सब पूरा चेक कर गए हैं, अब थाने जाके FIR रजिस्टर्ड करवानी है।